धनबाद के सरायडेला थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राव को एसीबी ने 6,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी गिरफ्तार एसआई से पूछताछ में जुटी हुई है। गौरतलब है कि आवेदक प्रदीप कुमार पांडे के आवेदन पर एसीबी ने यह कार्रवाई की है। थाने में पदस्थापित एसआई राजेंद्र राव डायरी लिखने और थाने से ही जमानत देने के एवज में 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। काफी मिन्नतें करने के बाद 6,000 रुपए पर आम सहमति बनी, जिसकी शिकायत प्रदीप कुमार पांडे ने धनबाद एसीबी से की। एसीबी ने अपना जाल बिछाते हुए प्रदीप कुमार पांडे को 6,000 रुपए रिश्वत के पैसे देने के लिए कहा और एसआई राजेंद्र उरांव को एसीबी ने घूस के पैसे के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मीडिया से बात करते हुए एसीबी डीएसपी नितिन खांडेलवाल ने बताया कि बरवड्डा थाने के कल्याणपुर के रहने वाले प्रदीप कुमार पांडे को डायरी लिखने और थाने पर जमानत देने के लिए एसआई के द्वारा बार बार रुपए की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत प्रदीप कुमार पांडे ने एसीबी से की। मामले की जांच कर अपना जाल बिछाते हुए एसीबी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम पकड़े गए एसआई राजेंद्र उराव से आगे की पूछताछ कर रही है। कल्याणपुर क्षेत्र के कल्याणपुर बरवड्डा क्षेत्र के आवेदक प्रदीप पांडे द्वारा शिकायत की गई थी कि सरायढीला थाना कांड संख्या 170/17 में के आईयू जो है राजेंद्र उराव, उनके द्वारा कांड एन की लिखने के एवज में उनसे 6,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसी का संविधिवत सत्यापन कराकर आज दिनांक 21/11/22 को बॉम्बे सूट सरायढीला स्थित बॉम्बे सूट के सामने से ही आरोपी जो है राजेंद्र उराव पुवानी सरायढीला थाना को 6,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एसीबी धनबाद टीम के द्वारा पकड़ा गया। कितने दिनों से सर शिकायत है सर आपका? कब का शिकायत था सर? जी शिकायत 14 तारीख को की गई थी शिकायत एसीबी धनबाद। ये कौन सा केस में मांग रहे थे? ये सरायढीला थाना का 170/17 कांड है। 10,000 रुपये की मांग थी, लेकिन सत्यापन के बाद उसमें 6,000 रुपये में बात तय हुई थी कि 6,000 रुपये लेंगे। सर कौन से पोस्ट पे थे? ये पुवानी है सब इंस्पेक्टर।